अद्भुत नजारा है कि ताजमहल भी फेल है। मैं बताऊं कि ताजमहल भी फेल है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ताजमहल भी एक मकबरा है, और ताजमहल की जो गुंबद की ऊंचाई है वो मुझे जहां तक पता है वो सबसे ऊंचा है भारत में। दूसरे गुंबद की ऊंचाई में सबसे ऊंचा ये शेर शाह सूरी का मकबरा आता है। नमस्कार, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम के रोजा रोड स्थित शेर शाह के मकबरा के पास, और कैमरे के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि शेर शाह मकबरा को पूरे रोशनी से जगमगा दिया गया है। कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा वो दृश्य को जूम कर दिखाया जाए। देख सकते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों में से एक बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में शेर शाह का मकबरा एक बार जगमगाता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। काफी खूबसूरती दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई है, और यह अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को सौंपी है, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है। मैं आपको बता दूं कि G20 के अध्यक्षता भारत को करने को मौका मिला है, और उसी के प्रधानमंत्री के आदेश पर इतने भी भारत में ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन धरोहरों को रोशनी से नहा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत लग रहा है, और यह शेर शाह का मुकबरा, और ये लगभग 7 दिनों तक ऐसे ही इस मुकबरे को रोशनी से जगमगाता हुआ आप देखेंगे। काफी सासाराम की खूबसूरती में ये 4 चांद लगा रहा है। काफी लोग देखने के लिए, सासाराम के लोग इस मकबरे को आ रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि शेर शाह सूरी का ये मकबरा कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है भैया, जो ये दृश्य को देख रहे हैं, जिस तरह से काफी खूबसूरती दिखाई दे रहा है ये शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि ऐतिहासिक धरोहरों में सासाराम के, रोहतास के सासाराम में ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से, और आपके ऑडियंस को भी सलाम करता हूँ। सासाराम जो आप जानते हैं कि पर्यटक नगरी है बिहार के रोहतास की, और ये शेर शाह रोजा के लिए जाना जाता है, मशहूर है, देश विदेश से लोग पर्यटक यहाँ आते हैं। और आज जो मैंने भी देखा तो मेरा बरबस आना हो गया। मैं यहाँ पार्टी में आया हुआ था तो देखा कि शेर शाह रोजा पे लाइटिंग हुई है, क्या बात है, जरूर कोई खास बात होगी। तो मैं आया तो देखा कि G20 जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत को मिला है, उसी थीम पे इसको सजाया गया है, और आपने दर्शकों को आपने दिखाया होगा कि यहाँ G20 का थीम लगा हुआ है। और नजारा, जैसे आपने पूछा, इतना अद्भुत नजारा है कि ताजमहल भी फेल है। मैं बताऊं कि ताजमहल भी फेल है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ताजमहल भी एक मकबरा है, और ताजमहल की जो गुंबद की ऊंचाई है वो मुझे जहां तक पता है वो सबसे ऊंचा है भारत में। दूसरे गुंबद की ऊंचाई में सबसे ऊंचा ये शेर शाह सूरी का मकबरा आता है, और आज इसका जो पैनोरमिक व्यू है तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब आज अगर ये बिहार में ना रहा होता तो डेफिनेटली फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे। सीधा सीधी तौर पे भैया का कहना है कि दुर्भाग्य है, अगर ये बिहार में नहीं होता, कहीं और किसी और स्टेट में होता तो ताजमहल जिस तरह से हमारे देश का नामचीन जो मकबरा बोला जाता है, कहीं नामचीन मकबरों में शेर शाह सूरी का मकबरा भी माना जाता। और देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत दिख रहा है शेर शाह का मकबरा। मैं आपको बता दूं कि भारत को 20 देशों की अध्यक्षता करने को, मतलब कि G20 की अध्यक्षता करने को भारत को मौका मिला है, और 7 दिनों तक ये रोशनी में जगमगाता शेर शाह का मकबरा आपको दिखेगा। काफी खूबसूरत नजारे हैं, काफी लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, और काफी लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक धरोहर है सासाराम का, और सासाराम का ही नहीं, बिहार का नहीं पूरे भारत का ऐतिहासिक धरोहरों में से एक ये धरोहर शेर शाह सूरी का मकबरा है, जो इस समय रोशनी से आप देख सकते हैं कि नहा दिया गया है इसको एक तरह से, मतलब कि काफी खूबसूरत दिख रहा है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।